डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन फैक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल की वीडियो को या इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, ताकि आप लोगों की वजह से मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, देखिए संख्या पद्धति क्या होती है? एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उसके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ऐसी पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। और संख्या पद्धति में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे अंक। क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले अंक। और अंक मीन्स क्या होता है? डिजिट। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। ये 10 संकेत ही अंक, इस 10 संकेतों को ही अंक कहते हैं। और इस 10 संकेतों वाली पद्धति दशमिक पद्धति कहलाती है। इस 10 संकेतों वाली पद्धति क्या कहलाती है? दशमिक पद्धति कहलाती है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सार्थक अंक होते हैं। ये क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अर्थात शून्य असार्थक अंक कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संख्यांक। संख्या क्या होता है? किसी भी संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को, क्या व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाई ओर से बाई ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आदि ऐसे स्थान लेते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आदि ऐसे स्थान लेते हैं और इसी के आधार पर हम बड़े से बड़े नंबर्स को पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं। चाहे वह नंबर 10, वह संख्या 10 नंबर की हो, 9 नंबर की हो, 8 नंबर की हो या 12 नंबर की हो, चाहे जितने भी नंबर की संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या को हम पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संख्या में अंकों के मान। संख्या में वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर। संख्या में अंकों के दो मान होते हैं। संख्या में अंकों के कितने मान होते हैं? दो मान होते हैं। पहला जाति मान, जाति मान, और दूसरा क्या होता है? स्थानीय मान। अब जाति मान मीन्स क्या होती है? फेस वैल्यू। क्या होती है? फेस वैल्यू। अब जाति मान क्या होता है? किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह मान होता है जो वह
स्वयं का खुद अपना मान होता है। स्वयं का क्या होता है? अपना मान होता है, या खुद का स्वयं मान होता है, वही जातीय मान कहलाता है। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, क्या दिया हुआ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्या लिखा है ये, 64,326। अब क्या होगा इसमें, हम देखेंगे जातीय मान। जैसे हम चार का जातीय मान देखेंगे, तो क्या होगा, चार का जातीय मान, चार का जातीय मान चार ही होगा। ऐसे तीन का जातीय मान, तीन ही होगा। चाहे नंबर किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, नंबर चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन चार का जातीय मान चार ही होगा, तीन का जातीय मान तीन ही होगा। अब नंबर किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, बोले मतलब नंबर चाहे वो इकाई पे हो, या दाई पे हो, या सैकड़े पे हो, या हजार पे हो, या लाख पे हो, नंबर किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन उसका जातीय मान उसका स्वयं का खुद मान होगा, वही मान होगा। जैसे चार है तो चार ही होगा, पांच है तो पांच ही होगा। ऐसे ही जातीय मान मतलब क्या होता है, खुद का स्वयं के मान को ही जातीय मान कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, अब स्थानीय मान क्या होते हैं, किसी भी संख्या में अंकों का स्थानीय, अंकों का वह मान जो स्थान की स्थिति के आधार पर चेंज होते रहते हैं, स्थान की स्थिति के आधार पर बदलते रहते हैं, वह मान को स्थानीय मान कहते हैं। वह मान को क्या कहते हैं, स्थानीय मान। इसको समझने के लिए हम यही नंबर ले लेते हैं, 64,326। अब देखिए 64,326 में हम स्थानीय मान देखते हैं, चार का स्थानीय मान देखते हैं, क्या है, चार का स्थानीय मान। अब चार का स्थानीय मान क्या होगा, आगे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या बोला है डेफिनेशन में, क्या बोला है, स्थान की स्थिति के आधार पर, काय पे, स्थान की स्थिति के आधार पर नंबर्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, आगे देखिए ये स्थान, ये कौन से स्थान पे है, आगे चार हमारा कौन से स्थान पे है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के कौन से स्थान पे, हजार के स्थान पे, तो चार का मल्टीप्लाई कैसे, चार का गुणा हजार से हो जाएगा, तो हमारा स्थानीय, चार का स्थानीय मान चार हो जा, चार हजार आ जाएगा। ऐसे ही तीन का स्थानीय मान, तीन का स्थानीय मान। अब देखिए तीन कौन से स्थान पे, इकाई, दाई, सैकड़ा, सौ के स्थान पे, तो तीन का मल्टीप्लाई कैसे होगा, सौ से होगा, तो क्या हो जाएगा ये 300, तो तीन का स्थानीय मान 300। ऐसे स्थान की स्थिति के आधार पर नंबर क्या होते, चेंज होते रहते, तो वही मान स्थानीय मान कहलाते। तो आज हमने नंबर सिस्टम में बेसिक से पढ़ा, और सबसे पहले पढ़ा अंक क्या, आगे नंबर, नंबर सिस्टम मीन संख्या पद्धति होती क्या है, उसके बाद हमने अंक पढ़ा, फिर संख्या, फिर संख्या में अंकों के मान, जिसमें उसके दो मान होते, स्थानीय मान और जातीय मान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।